सुखोई एकेडमी सैनिक स्कूल परीक्षा कोचिंग के लिए देश के अग्रणी संस्थानों में जाना जाता है, जिसकी शुरुआत सोनीपत के सेक्टर 15 में की गई है, जहां पर बच्चों को सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाएगी। आपको बता दें कि सोनीपत सुखोई एकेडमी में केवल लड़कियों की तैयारी करवाई जाएगी, इसके साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुखोई की भारत में 6 ब्रांचेस हैं, हरियाणा में तीसरी ब्रांच सोनीपत में खुली गई है, जहां पर सिर्फ लड़कियों को RIMC, RMS और सैनिक स्कूल की तैयारी करवाई जाएगी। यहां पर हॉस्टल की विशेष सुविधा और घर जैसा वातावरण बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा। नमस्कार, पहले तो आप सभी का यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से मैं अपने सोनीपत और सोनीपत से बाहर जो भी है ऑल इंडिया की जनता, मैं उन सबको एक मैसेज देना चाह रही हूँ। सोनीपत के अंदर सुखई एकेडमी मैं सोनीपत में पहली बार लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग अगर YouTube गूगल पे सर्च तो करते ही रहते हैं, जो भी अपने बच्चों का ब्राइट भविष्य सोचते हैं वो स्टार्ट से ही अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की अकेडमीज खोजते रहते हैं। सुखई एकेडमी हमारी पिछले 9 साल से काम कर रही है, जो कि मेन ब्रांच हमारी फरीदाबाद के अंदर है। और आज के दिन अगर हम उसका करंट का रिजल्ट भी उठाते हैं, जैसे कल ही RMS का रिजल्ट आया है, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कल रिजल्ट आया है उसी के अंदर आप बच्चों के नाम, रोल नंबर और उन्होंने कहाँ से तैयारी की है वो साथ के साथ पता चली जाती है। दूसरा, मैं अपनी एकेडमी पे फोकस करके बात बताती हूँ, तो ये एकेडमी मैं ऑल इंडिया के अंदर ओनली फॉर गर्ल्स के लिए लेके आई हूँ। इसके अंदर जैसा कि आप मेरी पूरी टीम को देख ही रहे हो, ज़्यादातर जैसे मैंने बताया ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, तो जो मेरी फैकल्टी रहेगी वो सारी फीमेल ही रहेगी। बच्चों के साथ रात को स्टे जो होगा वो सारा फीमेल टीचर्स का ही रहेगा। तो इस एकेडमी के अंदर जो RIMC, RMS और सैनिक स्कूल्स के लिए तैयारी कराई जाएगी, और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, तो सबसे पहले हमारा जो गर्ल्स का होता है वो सबसे पहले हमारे समाज में एक अनुशासन और संस्कार से लड़कियों की ज़िंदगी स्टार्ट होती है। तो हमारा यहाँ सिर्फ पढ़ाई पर फोकस ना होके उनका सर्वांगीण विकास जो होता है वो हम लोग यहाँ पूरी कोशिश करेंगे उनको 100% देने का। उसके बाद आती है फिजिकल एक्टिविटी। ये जो मेरे पास बच्चे आएंगे, ये एज ग्रुप होता है हमारा 10+ से स्टार्ट होता है, जो 10 साल के बच्चे होते हैं उसके बाद मेरे पास बच्चे आने स्टार्ट होंगे। तो ये बिल्कुल पीक पॉइंट होता है एज ग्रुप का, ग्रोथ ग्रुप, जो एज ग्रोथ होती है, तो उसमें भी हम फिजिकल एक्टिविटी और खाने का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ तो मेरे को पता है कि हमारे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए या हमारा खाने का है या जो भी रहने का है वो एक घर का माहौल हम देने की कोशिश करेंगे। तो ये बिल्कुल टेंशन लेने की या सोचने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये ना सोचें कि हम बच्चे को हॉस्टल में छोड़ रहे हैं। नहीं, आप लोग एक माँ दूसरी माँ के पास बच्चों को भेज रही है। तो जो मेरी एकेडमी रहेगी उसके अंदर हम, जैसा मैंने बताया कि हम पूरी तरह से सर्वांगीण विकास करेंगे, और जो पढ़ाई है वो तो जो सुखई का पैटर्न है वो यहाँ भी रहेगा। हमारी सुखई में, बाकी ब्रांचेज में हमारी 6 ब्रांचेज हैं और उसमें सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ पढ़ाई। और जो बच्चा हमारे पास 1 ईयर 2 ईयर की कोचिंग लेके जाता है, उन पेरेंट्स से अगर आप डील करोगे जो सुखई से बच्चे निकल के गए हैं, तो मैं अपने मुंह से बताऊंगी तो आप, वही होता है कि भाई अपनी चीज़ को कौन बुरा बताता है। तो अपनी एकेडमी के बारे में मैं बढ़ा चढ़ा कर भी बात कर सकती हूँ, नहीं तो जो सुखई के पुराने जितने भी बच्चे हैं जिनका एडमिशन हो चुका है सैनिक स्कूल भी, RMS भी और इसमें RIMC में भी, तो आप उन पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं। मैडम, बात करें सुखई की, तो इंडिया में कितनी ब्रांचेज और सोनीपत में कौन सी ब्रांचेज है? देखो, सुखई एकेडमी हमारी इंडिया में 6 ब्रांचेज ही हैं, और अब हरियाणा के अंदर हमारी 3 ब्रांच हैं, एक फरीदाबाद है, एक सोनीपत है और एक है चरखी दादरी ओनली फॉर बॉयज़ के लिए। तो जो ये सोनीपत में है ये एक ही है, और आने वाले टाइम में भी एक ही रहेगी, क्योंकि हमारी जो ब्रांच है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है कि भैया आज इंडिया के अंदर हम अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो कोई भी हमारी ब्रांच में पैसे दे के अपना फ्रेंचाइज ले सकता है, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। किस एज के बच्चे जो है आपके यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? हमारे यहाँ 10 साल से बच्चे आने स्टार्ट होते हैं, जैसे जो 6 के लिए तैयारी करेंगे वो बच्चे हमारे पास 3rd, 4th, 5th के रहेंगे, और जो बच्चे 9th के लिए तैयारी करेंगे वो 7th
गेट के रहेंगे। तो अगर बात करें तो अभी तक सुखोई के साथ कितने बच्चे जुड़ चुके हैं? अभी मैंने जनवरी से ही यहीं एडमिशन ओपन किए हैं, तो एक जनवरी के अंदर हमारे पास आरएमएस का जो बैच है उसमें सिर्फ हमने 20 बच्चे रखने हैं और उसके अंदर हमारे 12 बच्चे आ चुके हैं। और जो सैनिक स्कूल के 6th क्लास के लिए हैं उसके लिए भी हमारे पास 20 प्लस आ चुके हैं बच्चे। अगर बात करें तो अभी किस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सिस्टम है, वो आपकी तरफ से अपनाया जाएगा और क्या कुछ फैसिलिटीज़ जो दी जाएंगी बच्चों को? जैसा मैंने पहले बताया है कि हमारा एक तो हॉस्टल कंपलसरी है, यहाँ जो है ऑल इंडिया से बच्चे आ रहे हैं तो उसके अंदर हॉस्टल एक घर की तरह ही हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से। जैसे सुबह से स्टार्ट करते हैं हम, सुबह मॉर्निंग वॉक से लेके हम एक स्पेशल कोच हायर करेंगे जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों एक्टिविटी बच्चों को देंगे। उसके बाद फिर हमारा ब्रेकफास्ट होएगा, फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। जैसा कि इन अकेडमीज़ में सभी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जो हम सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, तो जो इस तरह की एकेडमीज होती हैं उनमें बच्चों को कम से कम भी 10 से 12 घंटे का टाइम तो देना ही देना होता है। इसमें स्कूल वाला सिस्टम नहीं होता या ट्यूशन सेंटर वाला नहीं होता कि बच्चे 3 घंटे 4 घंटे आए, क्लास ली और चले गए। यहाँ ना कोई हॉलीडे होता है ना वीकेंड होता है, 2 साल बच्चे को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं। ये एडमिशन कब तक स्टार्ट है और कब क्लोजिंग? ये हमारे एडमिशन जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और हमारे ये 15 मार्च तक चलेंगे।